जादुई भूत। एक गांव में श्यामू नाम का एक अंडे बेचने वाला रहता था। श्यामू के पास एक मुर्गी थी। श्यामू अपनी मुर्गी को रानी कहकर बुलाता था। श्यामू और उसकी पत्नी रानी को बहुत प्यार करते थे। रानी रोजाना 50 अंडे दिया करती थी। श्यामू रोजाना सुबह मुर्गी को दाना डालता और पानी पिलाता। उसके बाद श्यामू अंडों को टोकरी में लेकर उन्हें बाजार में बेचने जाता। लोग श्यामू के ताजे अंडे को खूब पसंद किया करते थे। दोपहर तक लगभग आधे अंडे बिक जाते थे। दोपहर में श्यामू ढाबे से खाना खरीदता और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता। कभी कभी अगर कोई जरूरतमंद दिख जाता तो श्यामू अपना आधा खाना उसे दे देता। खाना खाने के बाद श्यामू बचे हुए अंडे गांव की गलियों में जाकर बेचता। शाम को श्यामू पैसे से भरी थैली लेकर अपने घर पहुंचता। श्यामू के घर के पड़ोस में कालिया नाम का एक बकरी का दूध बेचने वाला रहता था। कालिया अपनी बकरी को ना खाना देता और ना पानी, और दूध दुहने के लिए रोजाना बकरी की डंडे से पिटाई करता। श्यामू जब शाम को पैसे से भरी थैली लेकर लौटता तो कालिया को बहुत जलन होती। एक दिन कालिया बकरी की इतनी पिटाई करता है कि बकरी मर जाती है। सही रहा कि बकरी मर गई, दूध तो कुछ देती नहीं थी, लेकिन अब श्यामू की मुर्गी को भी मरना चाहिए। आखिर मेरी बकरी ही भगवान के पास अकेला क्यों जाए? हाँ, एक रात जब श्यामू और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो कालिया उनके घर में घुस जाता है और उनकी मुर्गी को चुरा कर भाग जाता है। कालिया मुर्गी को जंगल में ले जाता है और मार देता है। अगले दिन जब श्यामू सोकर उठता है तो देखता है कि रानी गायब है। श्यामू अपनी मुर्गी को गांव में हर जगह ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते श्यामू जंगल में पहुंच जाता है और उसे रानी मरी हुई मिलती है। अरे मेरी रानी को किसने मार दिया? श्यामू एक सड़क पर बैठकर रोने लगता है। तभी जादुई भूत वहां प्रकट होता है। हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? किसी ने मेरी मुर्गी को मार दिया, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? जादुई भूत श्यामू को एक जादुई मुर्गी देता है। यह मुर्गी रोजाना 100 अंडे देगी और कुछ नहीं खाएगी। तुम इसे अपने घर लेकर जाओ। लेकिन मेरी रानी को किसने मारा? तुम चिंता मत करो, जिसने भी उसे मारा होगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा। श्यामू जादुई मुर्गी को लेकर घर आ जाता है। भूत अपनी जादुई शक्तियों से पता लगा लेता है कि कालिया ने श्यामू की मुर्गी को मारा था। भूत एक मुर्गी का रूप धारण कर लेता है और कालिया के घर में जाता है। कालिया अपनी खटिया पर सो रहा होता है। तभी मुर्गी कालिया पर अटैक कर देती है। हे भगवान, ये मुर्गी कहां से आ गई और ये मुझ पर हमला क्यों कर रही है? कालिया अपने घर के बाहर भागता है। तभी भूत कालिया की मर चुकी बकरी का रूप धारण कर लेता है। बकरी के बड़े बड़े सिंह निकल आते हैं। बकरी कालिया पर हमला कर देती है। अरे कोई बचाओ मुझे, ये बकरी और मुर्गी मुझे मार डालेंगे। कालिया जंगल की ओर भाग जाता है। तभी मुर्गी और बकरी उसका पीछा छोड़ देते हैं। लगता है श्यामू ने मेरे ऊपर कोई काला जादू करवाया है, उसी की वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। कालिया रात में श्यामू के घर जाता है। कालिया श्यामू के घर जादुई मुर्गी को देख लेता है। इसकी दूसरी मुर्गी भी चुरा लेता हूँ, इससे बढ़िया बदला और क्या होगा। कालिया जादुई मुर्गी भी चुरा लेता है और उसे लेकर नदी की ओर भाग जाता है। तभी जादुई भूत एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके कालिया के सामने आ जाता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? कालिया लड़की पर मोहित हो जाता है और उसे कहता है, हाँ चलो मेरे घर चलो, मेरे पास एक जादुई मुर्गी भी है,
कालिया मुर्गी पर लाल रंग का पेंट कर देता है ताकि श्यामू अपनी मुर्गी को पहचान ना सके। कालिया लड़की के साथ घर पहुंचता है, तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। भूत महाराज, आप कहां से आ गए? तुमने श्यामू की मुर्गी क्यों चुराई? मैं तुम्हें उसी का दंड देने आया हूँ। मुझे माफ कर दो, ईर्ष्या के कारण मैंने श्यामू की मुर्गी को मार डाला और दूसरी मुर्गी भी चुरा ली। आप मुझे दंड ना दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अभी जाकर ये मुर्गी श्यामू को वापस कर देता हूँ। कालिया भूत के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। भूत कालिया को माफ कर देता है। कालिया तुरंत जाकर श्यामू की मुर्गी लौटा देता है और श्यामू से माफी मांग लेता है।